एनवीडिया की तरफ से यहाँ पे ऑफिशियली लॉन्च कर दिया गया है उनका एक और नया ग्राफिक कार्ड जिसका नाम है RTX 3090 Ti। और इस ग्राफिक कार्ड का नाम सुनने के बाद आप भी मेरी तरह एक मिड रेंज गेमर हैं तो आप समझ गए होंगे कि हमारे लिए तो नहीं है ये। बट फिर भी आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एनवीडिया की तरफ से आने वाले उनके GeForce RTX 3090 Ti के बारे में। इस ग्राफिक कार्ड को लेकर इसकी जितनी भी स्पेसिफिकेशन और जितनी भी डिटेल मौजूद है वो सारी आज के इस वीडियो में आपको बता दूंगा। सो बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको इस ग्राफिक कार्ड के बारे में बताने वाला हूं, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और अगर आप एंड तक देखते हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बिकॉज मुझे पता चल जाता है कि कितने लोगों ने देखा है और कितने लोगों ने सब्सक्राइब किया है। तो प्लीज़ अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब कर लो। वीडियो पसंद आती है तो भाई साहब लाइक करना ज़रूरी है, बिकॉज लाइक नहीं करोगे तो सपोर्ट कैसे दिखाई देगा। तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए जल्दी से शुरू करता हूँ, मैं हूँ आनंद सिंह, ये है टेक्निकल लाइफ, चलिए शुरू करें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि इससे पहले मैंने जो वीडियो बनाई थी वो थी इंटेल के i9-12900KS डेस्कटॉप प्रोसेसर के ऊपर, जिसको लेकर ये कहा जा रहा था कि वो दुनिया का सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट डेस्कटॉप प्रोसेसर है। और आज की जो वीडियो होने वाली है हमारी वो है GeForce RTX 3090 Ti के ऊपर, जिसको लेकर कहा जा रहा है कि ये दुनिया का सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट ग्राफिक कार्ड है, मतलब कि वर्ल्ड फास्टेस्ट ग्राफिक कार्ड। सो इस ग्राफिक कार्ड की स्पेसिफिकेशन के ऊपर अगर आप नज़र डालोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि इसमें आपको 10,752 कूडा कोर्स आपको देखने को मिलते हैं। अगर आप कंपेयर करते हो RTX 3090 से तो RTX 3090 में आपको 10,496 कूडा कोर्स देखने को मिलते थे। और RTX 3090 Ti जो है ये एक 24GB का ग्राफिक कार्ड है जिसमें आपको 21GBPS की GDDR6X मेमोरी देखने को मिलेगी। RTX 3090 Ti जो है वो आपको 60% ज़्यादा फास्टर गेमिंग परफॉर्मेंस देगा अगर आप कंपेयर करते हो RTX 3080 Ti से। वहीं पे 55% ज़्यादा फास्टर परफॉर्मेंस ये आपको निकाल के देगा अगर आप कंपेयर करते हो टाइटन RTX से। एंड इसके बाद आपको 9% फास्टर परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी अगर आप कंपेयर करते हो RTX 3090 से। और RTX 3090 जो है ये यहाँ पे NVIDIA के एम्पियर आर्किटेक्चर पर बेस्ड है और इसकी बेस क्लॉक जो है वो है 1.67 GHz की। एंड वहीं पे इसकी जो बूस्ट क्लॉक है वो है 1.86 GHz की। और अगर आप कंपेयर करते हो इसकी बूस्ट क्लॉक को RTX 3090 से तो RTX 3090 में यहाँ पे आपको जो बूस्ट क्लॉक देखने को मिलती थी वो थी 1.70 GHz की। और इसी के साथ RTX 3090 यहाँ पे सेकेंड जनरेशन रे ट्रेसिंग को भी सपोर्ट करता है और 8K NVIDIA DLSS डीप लर्निंग सुपर सैम्पलिंग को भी सपोर्ट करता है। और RTX 3090 Ti में आपको HDMI 2.1 भी मिलेगा। इसके कुछ फीचर्स के बारे में मैं आपको बता देता हूँ जो कि आपको RTX 3090 Ti में देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे NVIDIA Shadow Play करके फीचर आपको देखने को मिलेगा एंड यहाँ पे गेम रेडी ड्राइवर्स आपको देखने को मिल जाएंगे, NVIDIA Studio ड्राइवर्स भी आपको देखने को मिलेंगे और लाइव स्ट्रीमिंग जो कंपैटिबिलिटी होती है वो भी आपको देखने को मिलेगी NVIDIA Encoder के साथ। और अब मैं उन कंपनीज के बारे में बताता हूँ जिनकी तरफ से आपको RTX 3090 Ti देखने को मिलेगा। सो इन सभी कंपनीज की तरफ से आपको RTX 3090 Ti देखने को मिलेगा। और लास्ट में अब हम लोग आ जाते हैं मेन चीज पे जो कि है इसकी प्राइसिंग। वैसे RTX 3090 Ti की जो प्राइसिंग है वो आप इसके नाम से ही पता लगा सकते हो, बट फिर भी मैं आपको इसकी प्राइसिंग बता देता हूँ। डॉलर में इसकी प्राइस बताई जा रही है 1,999 रुपीस, तो करीबन अराउंड आपको इंडिया में देखने को मिलेगी 1,51,000 रुपीस का। अगर आप इसकी प्राइसिंग को कंपेयर करते हो RTX 3090 से तो करीबन आपको $500 ज़्यादा महंगा आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है RTX 3090 Ti। सो ये है NVIDIA की तरफ से आने वाला उनका नया ग्राफिक कार्ड RTX 3090 Ti। बट अगर आप बजट गेमर हो या मेरी तरह एक मिड रेंज गेमर हो या मिड रेंज और हाई एंड के बीच में आते हो तो हमारे लिए तो बेसिकली ये ग्राफिक कार्ड नहीं है। बट अगर आप एक टॉप एंड गेमर हो, एक बहुत ज़्यादा हाई एंड गेमिंग करते हो तो भाई साहब आपके लिए एक और नया ऑप्शन आ गया है मार्केट में NVIDIA की तरफ से, RTX 3090 Ti एडिशन। मतलब Ti का तो सबको
इंतज़ार रहता ही है। तो अब तक आपको 3080 Ti देखने को मिल रहा था, बट अब आपको 3090 Ti भी देखने को मिल रहा है, जिसकी प्राइस डिटेल्स सब मैं आज के इस वीडियो में आपको बता चुका हूँ। सो इस वीडियो को एंड करने से पहले मैं आप लोगों से ये उम्मीद करता हूँ कि आपको इस ग्राफिक कार्ड की प्राइस पसंद आई हो ना आई हो, बट आपको मेरा ये आज का वीडियो ज़रूर पसंद आया। अगर पसंद आया तो प्लीज़ यार लाइक ज़रूर कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज मुझे और मेरे चैनल को आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो प्लीज़ आप सब अपना सपोर्ट मेरे साथ इसी तरह बनाए रखिएगा और भी ज़्यादा सपोर्ट दिखाइए जितना हो सकता है, एंड मैं आपको प्रोवाइड करता रहूंगा इसी तरीके की अमेजिंग क्वालिटी कंटेंट टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियो। सो इसी के साथ अब मैं मिलता हूं आपको किसी और वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक लिए जय हिंद, वंदे मातरम।